गुड मॉर्निंग कमर्शियल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कमर्शियल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। जबकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे, आज हम केवल जानेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे इसको तैयार किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने मेथड से इसको बनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में एक एक कर सबसे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन कहता है, ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल अकाउंट इन द लेजर विद अ व्यू टू वेरीफाई द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मतलब वह ऐसा स्टेटमेंट जिसको बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, चेक करने के लिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट सही है या नहीं, हमने जो भी डेबिट किया है, जो भी क्रेडिट किया है, वो ट्रू और फेयर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। आइए समझते हैं कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं फॉर द प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप है असर्टेन द बैलेंस ऑफ इच अमाउंट अकाउंट। जितने भी बैलेंसेज हैं, जितने भी अकाउंट के बैलेंसेज हैं, उनको असर्टेन करेंगे हम लोग, उनको समझेंगे और क्लियरली लिख लेंगे। आगे पढ़ेंगे, द सेकंड स्टेप होगा लिस्ट इच कॉल्यूम एंड प्लेस इट बैलेंस इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉल्यूम आइदर इफ द बैलेंस इज जीरो। सारे कॉल्यूम को लिस्ट आउट कर लेंगे, सभी कॉलम्स को लिख लेंगे और उनके डेबिट और बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेज को उनके सामने भर देंगे। अगर बैलेंस जीरो भी है तो भी अमाउंट को लिखना है, आइदर जीरो भी है तो जीरो को भी हम लिखेंगे। आगे बात करते हैं, कंप्यूट द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। जैसे कि हर बैलेंस शीट में, हर अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं हम लोग, कि उसके टोटल को निकालेंगे, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट को निकालेंगे। बैलेंसेज मस्ट टैली अदरवाइज द एंट्रीज प्रूव रॉन्ग। ध्यान दें कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे तो हमारा जो बैलेंस लास्टली जो बैलेंस आएगा सम करने के बाद, वो टैली करना ही चाहिए, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना ही चाहिए। इन द केस ऑफ ट्रायल बैलेंस एक लाइन में कहा जाए तो डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट। ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी हम लोग को रिसिप्ट एग्रीमेंट बनाते वक्त या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त, बैलेंस शीट बनाते वक्त नहीं होती है, क्योंकि हम लोग वहां पे निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नाम का कोई तथ्य आता भी है तो वो ट्रायल बैलेंस को गलत प्रूफ कर देगा। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमारा डेबिट अमाउंट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। आगे हम बात करेंगे, डेबिट में हम करेंगे यहां पे एसेट्स को, एक्सपेंस को और रिसीवेबल अकाउंट को। ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट में इसका उल्टा होता है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का उल्टा करेंगे। क्या करेंगे कि एसेट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में एसेट को लिखेंगे और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को लिखेंगे। ओके, इसके आगे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। पहला, असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जो भी अर्थमेटिकल, जो भी हम लोग उसमें कैलकुलेशन किए हैं उसकी एक्यूरेसी को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए वो एक्यूरेट है। द सेकंड वन, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। जो भी एरर होते हैं उनको लोकेट करने में ट्रायल बैलेंस हमारी काफी मदद करता है। कैसे मदद करता है, कुछ पांच पॉइंटों में इसको समझाया जाए। टोटलिंग ऑफ डेबिट, पहला एरर कहां हो सकता है, डेबुक को जो हम टोटल करते हैं, जब उसका समेशन करते हैं वहां पे गलती हो सकती है। पोस्टिंग ऑफ जर्नल, जर्नल के पोस्टिंग में कहीं गलती हो जाए। कैलकुलेटिंग अकाउंट बैलेंस, जो भी बैलेंस हम लिखते हैं अकाउंटिंग बुक में उसको कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए। कैरिंग अकाउंट बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस, जो भी अकाउंट का बैलेंस हम लोग निकाले हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त कहीं गलती हो सकती है। अथवा टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग में गलती हो सकती है। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि गलतियां कहां कहां हो सकती हैं। इसके आगे समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सभी चीजों को बनाने में हमारी काफी मदद करता है। कैसे मदद करता है आगे वाले वीडियोस में हम इस सबको समझेंगे। अभी पढ़ते हैं हम मेथड्स के बारे में, मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेथड कौन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस को हम लोग हमेशा तीन मेथड से बनाते हैं। पहला टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, तीसरा टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल मेथड क्या होता है? टोटल मेथड वो मेथड है जिसमें हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों को अलग अलग एंटर करते हैं। एक जगह डेबिट बैलेंस को एंटर किया जाता है जबकि दूसरी जगह क्रेडिट बैलेंस को एंटर किया जाता है। अलग अलग एंट्री करके हम देखते हैं कि इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। जबकि बैलेंस, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग एंटर करने का मतलब क्या है मेरा। मान लीजिए एक ही अकाउंट का मेरा कैश डेबिट में है 500, क्रेडिट में है 900। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, क्लियरली समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो कैश मान लीजिए मेरा डेबिट है 500 और क्रेडिट है 900। ये तरीका हुआ मेरा टोटल बैलेंस का, जबकि टोटल मेथड का। जबकि बैलेंस मेथड में अगर हम आते तो इसको हम इस तरह ना लिखते, कुछ इस तरह लिखते, चार सौ। मतलब समझ रहे हैं? अगर हम टोटल मेथड की बात करें तो उसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम में अलग अलग भरा जाता है, लेकिन जब हम बैलेंस मेथड में बात करें तो इन दोनों को सॉल्व करके एक जगह हम या तो डेबिट करते हैं या तो क्रेडिट करते हैं। ओके, वहीं अगर बात करें टोटल कम बैलेंस मेथड की तो उसमें हम डेबिट क्रेडिट मतलब 500 400 500 900 और उसके साथ साथ, ये तो हुआ हमारा टोटल मेथड। जबकि उसके नीचे बैलेंस मेथड में उसके साथ साथ हम टोटल मेथड और बैलेंस मेथड को दोनों को एक साथ लिखना, ये हुआ मेरा टोटल कम बैलेंस मेथड। ध्यान देंगे कि टोटल मेथड में केवल डेबिट और क्रेडिट दोनों को अलग अलग लिखते हैं, जबकि बैलेंस मेथड में दोनों को, दोनों में से जो भी बैलेंस करके या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, जैसे 900 और 500 था, दोनों को बैलेंस किए के बैलेंस करके अब मेरा अमाउंट आया 400 डेबिट कर दिए। वहीं टोटल कम बैलेंस मेथड में हम इन दोनों को लिखते हैं कि इसके पहले मैंने केवल इसे बनाया था, फिर केवल इसे बनाया, अब दोनों को मिला के बना दिया, दैट इज टोटल कम बैलेंस मेथड। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है कि हम लोग जो कैजुअली सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है हमारा बैलेंस मेथड। याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा कैजुअली अगर कोई अकाउंटेंट यूज करता है तो वो होता है बैलेंस मेथड ट्रायल बैलेंस के अंडर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।